हाय, वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन, व्हेन टू यूज, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी। और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में भी मैं तीनों तरह के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेट सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर फॉर्म करना बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सेप्शन, कॉमन मिस्टेक्स और आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन से। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए। चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है इसके सेंटेंसेस के लास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर ये थे, या था, इस टाइप से लगता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था, थे की जगह बस है, चुका है, चुके हैं। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। यहां मैंने एक और बात लिखी है, पास्ट ऑफ पास्ट। आप पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस तो पढ़ ही चुके हैं, एक मोमेंट पर काम हो रहा था, कंप्लीटली डिफरेंट था। और ऐसा ही आप पढ़ चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। अब ये कौन सा पास्ट है, ये किसको कनेक्ट करता है? प्रेजेंट परफेक्ट में भी आप पढ़ चुके हैं, उसमें थोड़ा सा पार्ट पास्ट का आता है, यानी कनेक्ट्स प्रेजेंट एंड पास्ट। लेकिन अब पास्ट परफेक्ट क्या करता है, इट इज कॉल्ड द पास्ट ऑफ पास्ट। मतलब पास्ट का भी पास्ट जो होता है टाइम, उसको बोलते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि ये प्रेजेंट, इससे हम पीछे गए तो हमको मिला पास्ट। और पास्ट में भी अगर हम पास्ट के पास्ट पर गए, पास्ट में और भी पीछे गए, तो यहां पर हमको मिलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। यही होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जिस काम की हम बात करते हैं पास्ट में हुआ था, उससे पहले क्या काम हुआ था, ठीक है, जो काम पास्ट में हुआ था उससे पहले क्या काम हुआ था, वहां पर हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट आप सब पढ़ चुके हैं, तो मैं दो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के इधर लिखे हैं। आई रीच द स्टेशन एट 9, मैं 9 बजे स्टेशन पहुंचा, एंड द ट्रेन अराइव्ड एट 9:30। तो ये टू सेंटेंस है, 9 o'clock मैं पहुंचा एंड 9:30 पर मेरी ट्रेन आ गई जिसमें मुझे जाना था। लेकिन इस दो सेंटेंस को अगर मुझे एक ही सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि दोनों ही ये पास्ट में है। यानी इन दोनों में से जो काम पास्ट में हो रहा है, सेकंड काम ऐसा होगा जो उससे भी पहले हो चुका होगा। तो आइए देखते हैं, स्टेशन 9 o'clock पहुंचा, तो 9 o'clock वाला काम पास्ट में है और 9:30 वाला भी, लेकिन पास्ट में कौन सबसे पहले कौन सा हुआ है, 9 o'clock वाला पास्ट। और 9:30 वाला काम हुआ है, यानी ट्रेन मेरे आने के बाद आई है, उसके बाद में दोनों ही पास्ट हैं। लेकिन इसमें हमें ये चूज करना है फर्स्ट पास्ट और सेकंड पास्ट, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो इसमें जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, मैंने अभी आपको बताया पास्ट ऑफ पास्ट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट पे कौन सा सेंटेंस बनेगा, ये वाला जो काम सबसे पहले हुआ है, आई हैड रीच द स्टेशन। इसकी डिटेल्स मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में बताऊंगी। इसमें हैड यूज होता है, अभी जस्ट इंट्रो दे रही हूँ कि किस टाइप के सेंटेंसेस आप आगे इसमें पढ़ने वाले हैं और ये टेंस क्यों यूज होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, मैं ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो इसमें जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, सबसे पहले हम यही सर्च करते हैं कि पास्ट ऑफ पास्ट कौन सा है, उसको तो हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। यानी कि ये तो आपका हो गया पास्ट परफेक्ट में, और जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो बनता है आपका पास्ट इनडेफिनिट में, ठीक है। जो पास्ट बचा हुआ पार्ट वो बनता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस टाइप से दो सेंटेंसेस को हमने एक कर दिया विद द हेल्प ऑफ पास्ट परफेक्ट। नाउ व्हेन टू यूज टू एक्शन इन द पास्ट। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, दो एक्शन जब भी हमारे पास्ट में होते हैं तो उसमें से जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, यानी जो एक्शन
सबसे पहले होता है उसमें हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, उसे ही हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और सेकंड पास्ट में हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे हम दो सेंटेंस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और दो ही बातों को हम एक ही सेंटेंस में बोल सकते हैं, जैसे कि वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड, मेरे घर बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। मैं इसमें क्या कहना चाह रही हूँ, बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए, हम घर पहुंच चुके थे यानी कि बारिश हुई, ये भी पास्ट हो गया, और हम घर पहुंचे ये भी, लेकिन सबसे पहले कौन सा काम हुआ है, घर पहुंचने का, तो इसलिए ये वाला हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। और सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए इसमें हम बिफोर या आफ्टर का यूज करते हैं, ये मैं आपको स्ट्रक्चर में डिटेल में बताऊंगी, तब आपको बहुत ही अच्छे से सेंटेंस फॉर्म करना आ जाएंगे। एक और एग्जाम्पल इसी का देखते हैं, ही वेंट टू कानपुर आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। अच्छा ये देखिए, इसमें यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है, लेकिन आफ्टर वाले में इधर पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है? हम वह कानपुर गया मेरे सोने के बाद, यानी पहले मैं सोया, पहले मैं सोई थी, उसके बाद वह कानपुर गया, तो पहले कौन सा काम हो रहा है, पहले मेरे सोने वाला। इसलिए मैंने क्या कहा था, दो पास्ट में एक्शन होते हैं, लेकिन पहले उनमें से कौन सा एक्शन होता है हमको चूज करना पड़ता है, और उसे ही हमें पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, इसलिए यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है, He went to Kanpur after I had slept. तो इसी तरह से जो दो एक्शन पास्ट में हुए हैं उसको एक ही सेंटेंस में शो करने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। अच्छा, इसका एक ही सेंटेंस में भी यूज हो सकता है, जरूरी नहीं है दो ही सेंटेंस हो, एडवर्ब का यूज करके, जैसे कि कुछ जो वर्ड होते हैं, I had already bought my ticket. मैं पहले से ही अपनी टिकट खरीद चुका था। ठीक है, मुझसे किसी ने पूछा इस मूवी लगी है लेकिन अब इसकी टिकट तो अवेलेबल नहीं है, तो तुमने कैसे देखी मूवी, आई हैड ऑलरेडी बॉट माय टिकट। इस टाइप से वी हैड रीच्ड मच अर्लियर, मुझे किसी पार्टी में जाना था हम लोगों को और हम काफी पहले ही पहुंच गए थे, तो वी हैड रीच्ड, हम पहुंच चुके थे काफी जल्दी। तो इस तरह से हम यूज करते हैं पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस की, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस दे आर पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें हम कुछ बात कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस कनेक्ट होते हैं तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लेकिन डोंट वरी स्टूडेंट्स, हम इसे भी इजी बना देते हैं। देखिए, अगर आप समझ के करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगा। सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। सबसे पहले आप, अभी मैं ये बताती हूँ ये किस बेस पर बना है, इसको देखिए आप खुद ही फॉर्म कर लेंगे जब मैं बताऊंगी। जैसा कि मैंने बताया था, पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, तो मतलब इसमें दो पास्ट है। सबसे पहले हमें देखना होगा फर्स्ट एक्शन किसका है, कौन सा है। सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। अच्छा, सो गई वो, ये एक काम हो गया, एक एक्शन, और इसमें एक और एक्शन आ रहा है, अपनी किताब पढ़ना। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, पहले वो सोई थी या उसने किताब पढ़ी थी, पहले किताब पढ़ी थी फिर वो सोई, यानी कि इसमें पास्ट परफेक्ट कौन सा हो गया, ये वाला सेंटेंस हो गया ना, इसमें पास्ट परफेक्ट, और ये वाला किसमें बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, और ये वाला किसमें बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। इस टाइप से आपको देखना है। तो वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, She had read her book. तो सबसे पहले सब्जेक्ट पता है आपको, और उसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती थी, हैज और हैव, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना, सिंपल होता है, केवल हैड लगाना है, और इसके बाद तो मेन वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये अब तक आपको लर्न भी हो गया होगा स्ट्रक्चर। तो शी, ठीक है, वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, मैं केवल इसका बना रही हूँ, अब इसको मैं भूल जाती हूँ अभी, तो वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी।
थी she, यानी कि subject, इसके बाद helping verb, इसके बाद इसकी form का है read, read की second third form की read, read, ठीक है same होती है she had read, इसके बाद object, वह अपनी किताब, her book, simple, अब इसके बाद इसमें पहले पहले के लिए होती क्योंकि हमें दो sentence को connect करना है before, और मैंने क्या बताया था जो दूसरा बचा हुआ सेंटेंस है वो किसमें बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में. बस इसमें आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा और कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा. बहुत ही इजी है, जो काम पहले हुआ है आपको देखना सबसे पहले दोनों में से काम कौन सा फिनिश हुआ है पास्ट में उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो जस्ट उसके बाद हुआ है उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में. इसके अकॉर्डिंग आप चलिए. अच्छा, अब सोने से पहले, ठीक है, सोई, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल सब जानते ही है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये अफर्मेटिव है और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है. बिफोर शी स्लेप, और इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो शी हैड रेड हर बुक बिफोर शी स्लेप. अब बताइए सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है ये दो सेंटेंस है, हम कैसे लिखेंगे, लेकिन आप इनको टू पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. सबसे पहले फर्स्ट का ट्रांसलेशन बनाइए, देन सेकंड का बनाइए. तो इसी के साथ एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है, ये आप लोग खुद करिए, ये लिख लीजिए और ये आप खुद फॉर्म करिए, ठीक है, स्ट्रक्चर आपको पता चली गया है. आए कहां गया, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम कर चुका था, तुम आए, मैंने अपना काम करा, दो एक्शन हो रहे हैं इसी तरह से देखिए, ठीक है, लेकिन सबसे इनमें से दोनों में से पहला कंपटीशन है, इन दोनों में कौन सा काम पहले हो रहा है, मैं अपना काम कर चुका था क्योंकि तुम तो बाद में आए, तुम्हारे आने से पहले मैं कर चुका था, तो ये वाला हो गया पास्ट परफेक्ट और बाकी बचा हुआ पार्ट हो गया पास्ट इंडेफिनिट. तो मैं अपना काम कर चुका था, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब कोई झंझट नहीं, हैड हर में लगेगा चाहे सिंगुलर हो कुछ भी हो, हैड काम कर चुका था, क्या काम समाप्त, लिख लीजिए आप, इसमें कंप्लीट आ गया, मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, तो आई हैड समाप्त, फिनिश यानी कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी, ये बात आप इसका ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, कंप्लीटेड और इसके पास ऑब्जेक्ट माय वर्क, ठीक है, तो और पहले की बिफोर यानी कि दूसरा सेंटेंस किसका बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तुम्हारे आने से पहले, तो तुम्हारे मतलब यू सब्जेक्ट और कम की सेकंड फॉर्म के है, बिल्कुल आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क बिफोर यू कम, बिफोर यू, ये मैंने यहां पर गलत लिखा है, जानबूझकर थर्ड फॉर्म यूज कर दी थी, बिफोर यू केम कम, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो इसमें भी आप थर्ड फॉर्म यूज कर दें और ऐसे ही आप इसमें थर्ड फॉर्म यूज कर दें, तो ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर लिखा था बिफोर यू कम, ठीक है, अब आप लोग देखिए आपने क्या ही मिस्टेक पहचानी थी, बिफोर यू केम, जरूर फॉर्म का भी ध्यान रखना है आपको. अच्छा, अब इसको मैं बाद से भी तो बना चुकी हूँ, आफ्टर से, अब आफ्टर से क्या चेंज होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आफ्टर, इसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्या है, अपना पार्ट याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था, सबसे पहले आप इसमें ढूंढिए, अपना पार्ट याद किया उसने और राम कहाँ चला गया, स्कूल के बाद, ठीक है, तो इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस को लिखेंगे बाद में, ये पास्ट परफेक्ट है, लेकिन रूल वही रहेगा, इसका मतलब जो काम बाद में हुआ है आफ्टर वो काम के लिए पास्ट परफेक्ट नहीं लगेगा, बल्कि जो काम पहले हुआ है लगेगा उसी के लिए पास्ट परफेक्ट. राम स्कूल चला गया था, ये काम कहाँ हुआ है, बाद में, ठीक है, और अपना पार्ट याद करने वाला काम कहाँ हुआ है, इससे पहले, दोनों के बीच में से ये काम पहले हो रहा है तो लगेगा इसमें भी पास्ट परफेक्ट, उल्टा नहीं होगा, लेकिन इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस पहले लिखेंगे उसके बाद आफ्टर लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट वाला. तो अपना पार्ट याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था, राम स्कूल जाने की वेंट टू स्कूल, ठीक है, यही सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसके बाद आफ्टर और इसके बाद पास्ट परफेक्ट, अपना पार्ट याद, ही हैड लर्नड हिज लेसन, तो राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन. तो चलिए एक और सेंटेंस से समझते हैं आफ्टर वाले को,
बारिश होने के बाद ये विद्यार्थी कॉलेज चले गए थे। अच्छा, तो उसमें बारिश हो रही है और विद्यार्थी कॉलेज गए, बारिश हुई थी और कॉलेज, दो काम हुए थे पास में, लेकिन सबसे पहले कौन सा काम हुआ था? बारिश होने वाला, बारिश होने वाला काम पहले हुआ था, यानी कि ये बन गया पास्ट परफेक्ट में और ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन इसके बीच में क्या है? आफ्टर, और आफ्टर वाले में हम पास्ट इंडेफिनिट को पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले वही काम होगा, आपको दोनों में से पहचानना है पास्ट परफेक्ट में कौन सा बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा बनेगा। इसके बाद आफ्टर में पास्ट इंडेफिनिट वाला पहले लिखना है, फिर आपको आफ्टर वर्ड लगाना है, और उसके बाद लिखना है हमें पास्ट परफेक्ट वाला। जबकि बिफोर में क्या होता था, पहले हम सेम पहचानते थे पास्ट परफेक्ट में कौन सा है और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा है, लेकिन बिफोर में उल्टा होता था, हम लिखते थे पहले पास्ट परफेक्ट वाला, लेकिन इंडेफिनिट वाला बिफोर लगाने के बाद हम लिखते थे इंडेफिनिट वाला। बस यही डिफरेंस है बिफोर आफ्टर का। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट वाला, आप शुरू में ऐसे कर लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। पास्ट परफेक्ट, और ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। ये विद्यार्थी कॉलेज चले गए थे, दीज स्टूडेंट्स वेंट टू कॉलेज आफ्टर इट हैड रेन्ड। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जहां भी बिफोर आता है, बिफोर से हम कनेक्ट करते हैं, तो उसमें पहले हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, लेकिन देखने के बाद कौन सा काम पहले हुआ है। तो आपने छांट लिया इसमें से, परफेक्ट में ये बनेगा, इंडेफिनिट में ये बनेगा, तो परफेक्ट वाला पहले लिखना है, इसके बाद बिफोर, और इसके बाद लिखना है इंडेफिनिट वाला। जबकि आफ्टर में आपको इंडेफिनिट वाला पहले लिखना है, इसके बाद आफ्टर के साथ आपको लिखना है परफेक्ट वाला। अब आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। केवल अफर्मेटिव को हटा के मैंने यहाँ लिख दिया है नेगेटिव। तो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर पर क्या फर्क पड़ता है और कैसे ये फॉर्म होते हैं। कुछ भी चेंज नहीं होता, पर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है नेगेटिव में? नॉट। तो स्ट्रक्चर में भी हम क्या लगा देंगे? नॉट। सब्जेक्ट हैड, और इसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट। ठीक है, पहले बिफोर के ही दो सेंटेंसेस हम देखते हैं। सोने से पहले वह अपनी किताब नहीं पढ़ चुकी थी, तो बस यहाँ क्या लग जाएगा? बिल्कुल पहले आप अफर्मेटिव बना लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट नेगेटिव का ट्रांसलेशन करने को आता है इंग्लिश में, अफर्मेटिव बना लीजिए, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है आपको? नॉट। शी हैड नॉट रेड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट। फॉर्मूला सेम, पहले आप पहचानिए कौन सा इंडेफिनिट में बनेगा, कौन सा परफेक्ट में बनेगा। तो परफेक्ट में कौन सा बनेगा? पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि दो काम पास्ट में होंगे, जो पहले हुआ है वो काम परफेक्ट, और जो बाद में हुआ है वो काम मान लिया जाएगा इंडेफिनिट। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया था, तो आई हैड नॉट कंप्लीटेड माय वर्क बिफोर यू केम। अब आफ्टर में क्या चेंज होता है? आफ्टर में भी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, लेकिन किस में हम नॉट लगाएं? इसमें या इसमें? हमेशा फर्स्ट स्ट्रक्चर में नॉट लगाना है, जैसे कि इसमें लगाए थे, यानी इसमें पास्ट इंडेफिनिट वाले में नॉट लगेगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, और मेन वर्ब क्या हो जाती है इसमें फिर? पास्ट इंडेफिनिट पे आपने पढ़ा है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, क्योंकि डिड यूज हो जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब आफ्टर, और ये पार्ट हमारा रहेगा सेम। अच्छा, अपना पार्ट याद करने के बाद राम स्कूल नहीं गया था। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या पहचानना है? परफेक्ट कौन सा है और इंडेफिनिट कौन सा है। तो राम स्कूल नहीं गया था, अपना पार्ट याद उसने पहले ही कर लिया था, लेकिन उसके बाद उसने क्या डिसाइड किया? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो राम स्कूल नहीं गया था, यानी कि ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो राम डिड नॉट, ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो जाती है, क्योंकि अफर्मेटिव में नहीं होती, तो उसमें ज्यादा चेंज है। राम डिड नॉट, और वेंट मत लिख देना, पहले भी मैंने पास्ट इंडेफिनिट के पार्ट में जाके देखिए मैं बता चुकी हूं आपको, राम डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्न्ड दिस लेसन। सबसे पहले उसने अपना लेसन लर्न किया, उसके बाद उसका क्या डिसाइड हुआ? मैं स्कूल नहीं जा रहा, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में। बारिश होने के बाद ये विद्यार्थी
कॉलेज नहीं गए थे, इसका आप शुरू से फॉर्म करिए। सबसे पहले बारिश हुई, उसके बाद विद्यार्थी कॉलेज नहीं गए, तो बारिश पहले हुई, तो ये हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन मैंने क्या बोला था, जहां पर आफ्टर यूज होता है, के बाद, ठीक है, बाद में यहां पर यूज होता है, उसमें सबसे पहले हम किसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का। तो सबसे पहले हम किसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, बारिश तो पहले ही हो गई तो उसको बाद में लिखेंगे परफेक्ट इंडेफिनिट। ये विद्यार्थी कॉलेज नहीं गए थे, तो दीज स्टूडेंट, इसमें भी दीज स्टूडेंट डिड नॉट, दीज स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। ये विद्यार्थी कॉलेज नहीं गए थे, केवल पहले इसका बनाना है, दीज स्टूडेंट डिड नॉट गो टू कॉलेज। आफ्टर, इसके बाद पास्ट परफेक्ट, इट हैड रेंड, और ऐसे देखिए यहां पर बिफोर था, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, परफेक्ट को। तो अब ये हमारे होते हैं द नेगेटिव सेंटेंसेस। बस आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको वन बाय स्टेप बाय स्टेप चलना है, इंडेफिनिट में कौन सा बनेगा, परफेक्ट में कौन सा बनेगा, ये देखना है। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना स्टूडेंट्स, तो आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक उस सेंटेंस के लिखने के हैबिचुअल हो जाएंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप चलिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले आपको छांटना है इंडेफिनिट कौन सा है, परफेक्ट कौन सा है, फिर आपको देखना है बिफोर यूज हुआ है या आफ्टर यूज हुआ है। अगर बिफोर यूज हुआ है तो पहले परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर आएगा, बिफोर लगेगा, उसके बाद इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर आएगा। लेकिन अगर आफ्टर यूज हुआ है तो पहले इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर आएगा, फिर आफ्टर लगेगा, और उसके बाद कौन सा आएगा, परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर आएगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले बात करेंगे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि यस और नो टाइप सेंटेंसेस की। इसका आंसर हम केवल यस और नो में भी कह सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं हम यस और नो टाइप सेंटेंसेस। और ये क्या से स्टार्ट होते हैं, यानी कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इसमें किसी भी क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं होता, केवल क्या यूज होता है वो भी स्टार्टिंग में, बीच में नहीं। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, पहले एक सेंटेंस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर। क्या आपने मेहमानों के आने से पहले खाना बना लिया था, तो प्रोसेस सेम रहेगा, पहले हम कौन सा काम बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद पास्ट में कौन सा बोलना चाह रहे थे, ठीक है। क्या आपने मेहमानों के आने से पहले, ठीक है, इसमें बिफोर वाला है, तो खाना बना लिया था, यानी हम इसके प्रिपेयर करने की, फूड के प्रिपेयर होने की, कुक होने की बात पहले कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लग जाएगा प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट इधर लगेगा। और क्या आपने मेहमानों के आने, यानी कि मेहमान जो है वो बाद में आने की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें होगा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, इतना हम समझ गए। अब इसमें पहले यूज हुआ है, यानी कि बिफोर, तो बिफोर में परफेक्ट पहले लगता है, इंडेफिनिट बाद में, ये भी हमको पता है। अब ये है लेकिन इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव हम पढ़ चुके हैं, अब बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव की। अब इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, लेकिन क्या इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो है वो क्वेश्चन वर्ड, मतलब किस पार्ट को, क्या हम दोनों ही पार्ट इंटरोगेटिव में बनाएंगे या केवल एक को ही बनाएंगे, और अगर एक को बनाएंगे तो किसको हम इंटरोगेटिव में रखेंगे, यानी कि परफेक्ट वाला इंटरोगेटिव रखेंगे या इंडेफिनिट वाला इंटरोगेटिव रखेंगे। तो इसमें हम इंडेफिनिट रखेंगे परफेक्ट वाला, ठीक है, यानी कि हमेशा चाहे वो आफ्टर जो हम यहां से स्टार्ट करेंगे ना, वो यूज होगा इंटरोगेटिव फॉर्म में, बाकी यूज होगा अफर्मेटिव फॉर्म में बचा हुआ। दोनों में इंटरोगेटिव नहीं लगाना है, जैसे देखिए मैं आपको बता दूं इसका हेड, ठीक है, इंटरोगेटिव यहीं से स्टार्ट होते हैं, इसके बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब के पास सब्जेक्ट, इसमें हमेशा वर्ब की फॉर्म नहीं देखनी पड़ती, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद बिफोर, और इसके बाद इंडेफिनिट का फॉर्मूला, यानी कि अफर्मेटिव सब्जेक्ट मेन वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म, ठीक है, यहाँ भी मैंने थर्ड फॉर्म लिख दिया है, लेकिन क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। अच्छा सही से बताइए, किसने किस किस में ने नोटिस किया था इसे, यानी कि वो पूरा समझ चुका है अच्छे से, और अगर बचा हुआ पार्ट है तो, ठीक है, देखिए अब इसको, और इसमें देखिए इसमें ऐसे मत कर देना डिड नो, एक बार हम क्वेश्चन वर्ड लगा चुके, इधर लगा चुके हैं ना हम, ये
जो है सिंगल इंटरोगेटिव इधर बना चुके हैं, तो दोनों में नहीं बनाना, एक सिंगल इंटरोगेटिव में रखना है और एक अफर्मेटिव में रखना है, बस ये पहचानना है कौन सा रखना है। तो स्टार्टिंग वाला सेंटेंसेस भी हमेशा सिंगल इंटरोगेटिव में होगा, चाहे वो बिफोर हो या आफ्टर, ठीक है। तो ठीक है, पहले खाना बना लिया था मेहमानों के आने से पहले, क्या आपने मेहमानों के आने से पहले खाना बना लिया था? तो आपने मतलब यू इसके साथ यूज कर रहे हैं, तो हैड यू, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट हैड सब्जेक्ट, और थर्ड फॉर्म खाना बनाना कुक्ड, द फूड बचा हुआ पार्ट, बिफोर, और आप यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन आ रहे मेहमान के आने से पहले, गेस्ट के, कम नहीं के, बिफोर द गेस्ट के, हैड यू कुक द फूड बिफोर द गेस्ट के। अच्छा तो ठीक है, सबसे पहले आपने क्या पहचाना, ये यू पहचाना, यानी कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है ना, और फिर पास्ट इंडेफिनिट, ये सेम रहेगा अफर्मेटिव में। फिर इसके बाद आपने ये पहचान लिया पास्ट परफेक्ट पहले आएगा, और हमेशा जो पहले आएगा उसी में ही लगा देना है इंटरोगेटिव। तो एक आफ्टर का एग्जांपल अब देख लेते हैं, क्या मेरे सोने के बाद तुमने पत्र लिखा था, ठीक है। अच्छा तो इसमें सबसे पहले हम वही प्रोसेस करते हैं, परफेक्ट कौन सा इंडेफिनिट कौन सा, मेरे सोने के बाद मतलब मैं सोआ उसके बाद मैं पूछना चाह रही हूँ पत्र लिखना, तो सोने वाला काम पहले और पत्र लिखने वाला काम बाद में, तो सोने यानी कि ये हो गया हमारा परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन आफ्टर में पहले इंडेफिनिट वाला आता है, यहां तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट अफर्मेटिव की तरह ही है, लेकिन इस इंडेफिनिट वाला पहले आता है, तो जो पहले आएगा उसे ही हम सिंगल इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो यानी इंडेफिनिट वाले को इसमें इंटरोगेटिव बनाना पड़ेगा, और उसका रूल आप सभी लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट को कैसे बनाते हैं, डिड इसमें आ जाता है और मेन वर्ब क्या हो जाती है सेकंड से फर्स्ट, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। डिड तुमने पत्र लिखा था, यू राइट अ लेटर आफ्टर बाद में, फिर इसके बाद परफेक्ट आई हैड स्लेप्ट। देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी इंटरोगेटिव नहीं बनाया है, क्या शुरुआत में बस आपको इंटरोगेटिव बनाना है एक सेंटेंस, बाकी आपको अफर्मेटिव में ही रखना है। तो डिड यू राइट अ लेटर आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। अच्छा अगर इसमें मैं इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव लगा दूं फिर क्या होगा देखते हैं, क्या आपने मेहमानों के आने से पहले खाना क्या होगा इसमें, नहीं बनाया था, इस टाइप से हम बोलेंगे खाना नहीं बनाया था, तो नॉट भी हमेशा इसी में यूज होगा, हैड यू नॉट। अच्छा इसमें कहाँ लगता है नॉट, मैं बार बार बताती हूँ, इंटरोगेटिव में अगर नेगेटिव लगाना है तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगता, बल्कि कहाँ लगता है सब्जेक्ट के बाद, हैड यू नॉट कुक द फूड बिफोर द गेस्ट केम। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा अब इसमें भी सेम सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा नॉट, तो ये भी सेंटेंस चेंज करते हैं, क्या मेरे सोने के बाद तुमने पत्र नहीं लिखा था, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब बिल्कुल चेंज है अभी तक जो आपने पढ़े हैं, ठीक है। डिड यू पत्र नहीं लिखा था नॉट, डिड यू नॉट राइट अ लेटर आफ्टर आई हैड select, did you not write a letter after I had select, कुछ भी change नहीं करना है, बस first में ही change करना है, not भी दो बार नहीं लगाना है, एक ही बार लगाना है, second वाला तो affirmative का affirmative ही रहेगा। देखिए interrogative आपको complicated लग रहे होंगे, तो इसमें बिल्कुल नहीं है, सेम अपना रखिए, सबसे पहले दोनों में से ये देखिए परफेक्ट में हम किसे बनाएंगे और इंडेफिनिट में हम किसे बनाएंगे, बिफोर है तो परफेक्ट वाला पहले आएगा और आफ्टर है तो इंडेफिनिट वाला पहले आएगा। इसके बाद अगर हमें क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है तो जो पहले लिखा होता है उसमें ही क्वेश्चन फॉर्म लगाते हैं, बाकी सेकेंड पार्ट हमारा अफर्मेटिव में बनता है और नॉट भी हम फर्स्ट वाले में ही एड करते हैं, सिंपल। अब बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की, यानी कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यूएच फैमिली का यूज होता है, ठीक है। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर में बस क्या चेंज है, सिंगल इंटरोगेटिव में ये चीज नहीं होती थी, बाकी सेम सिंगल
सिंगल इंटरोगेटिव की जैसा ही है, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, बस इसमें क्वेश्चन वर्ड हम यूज कर देते हैं। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी जैसा हम फॉलो करते आए हैं। सबसे पहले आपको देखना है कौन सा बिफोर या आफ्टर है, तो बिफोर में सबसे पहले परफेक्ट लिखा जाएगा और बाद में इंडेफिनिट, तो आपको देखना है परफेक्ट में कौन सा और इंडेफिनिट में कौन सा। तो बिफोर में पहले परफेक्ट लिखा जाएगा तो यानी क्वेश्चन वर्ड भी परफेक्ट में ही लगेगा, और इंडेफिनिट अफर्मेटिव में बनेगा सिंपल, और नेगेटिव भी इसमें ही बनेगा अगर हम उसमें नेगेटिव भी लगा देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, बारिश होने से पहले तुम कहाँ गए थे। ठीक है, अब मैं पहले किसकी बात कर रही हूँ, बारिश हुई और फिर जाने की बात कर रही हूँ, तो इनमें से पहला कौन सा काम होने की मैं बात कर रही हूँ, कहाँ गए थे, उससे पहले ही मैं गई थी, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट और ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। तो मैंने क्या कहा, बिफोर में सबसे पहले पास्ट परफेक्ट वाला आता है, तुम कहाँ गए थे, बहुत सिंपल है, बना दीजिए इसका वेयर होती है कहाँ की, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है हमेशा, और इसके बाद सब्जेक्ट आता है तुम, और गो वेंट गॉन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेयर हैड यू गॉन बिफोर, बारिश होने से पहले, अच्छा बारिश के साथ बिफोर इट रेंड, इट आप सोच रहे इट कहां से आया, बारिश होने की तो रेंड हो गई सेकेंड फॉर्म, तो बारिश के साथ हमेशा क्या लगेगा, इट सब्जेक्ट हम मान लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें तो पूरे थे गेस्ट के आने से पहले उसके, लेकिन इसमें हमें डायरेक्टली सब्जेक्ट नहीं दिया है, लेकिन बारिश के साथ हम क्या यूज करेंगे, इट, क्योंकि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी चीजें होती है उनके साथ हम हमेशा इट यूज करते हैं, ही शी यूज नहीं करते। बिफोर इट रेंट, बिल्कुल पहले जैसा ही है। अच्छा, अब एक आफ्टर वाला भी देख लेते हैं, तो आफ्टर वाले में सबसे पहले हम इंडेफिनेट लिखेंगे, ये आपको पता है, और दोनों में से इंडेफिनेट, और फिर उसके बाद परफेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन भी हम किसका बनाएंगे, इंडेफिनेट का, क्योंकि जो पहले लिखते हैं उसी का क्वेश्चन बनाते हैं, और जो सेकंड सेंटेंस हम लिखते हैं आफ्टर के बाद उसको हम अफर्मेटिव में ही लिखते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। ठीक है, अब इसमें क्या है, डॉक्टर के जाने के बाद, यानी पहले डॉक्टर गया उसके बाद ही रोगी ने कुछ खाया। ठीक है, तो डॉक्टर के जाने के बाद, पहले डॉक्टर गया यानी दोनों काम में से सबसे पहले कौन सा हो रहा है, पास्ट परफेक्ट, ये वाला डॉक्टर गया, और उसके बाद में क्या पूछ रही हूँ, रोगी ने क्या खाया था, यानी ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन आफ्टर में क्या होता है, इंडेफिनिट वाला पहले आता है, तो वॉट क्या की क्या होगी, वॉट डब्ल्यू एच आर डी, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हेड नहीं आएगा, क्या आती है पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब, डिड, वॉट डिड द पेशेंट, इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद ईट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव में सब में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है एक्सेप्ट अफर्मेटिव, वॉट डिड द पेशेंट ईट, इसके बाद आफ्टर, और इसके बाद अब क्या बना लेंगे, पास्ट परफेक्ट वाला आफ्टर डॉक्टर के जाने के बाद, तो उसमें सब्जेक्ट क्या है, द डॉक्टर, देन इसके बाद परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, गो है, और थर्ड फॉर्म गॉन, What did the patient eat after the doctor had gone? यानी कि आपको बस अफर्मेटिव लर्न करने की जरूरत है, बिफोर में क्या होता है, आफ्टर में क्या होता है, इसके बाद इससे हम सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसी में हम नेगेटिव कर दें इसको, बारिश होने से पहले तुम कहाँ नहीं गए थे, मतलब कहीं जाने की सोच रहे थे तो कहाँ नहीं जा पाए थे, वेयर हैड यू, अच्छा अब इसमें क्या लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, लेकिन नॉट यहाँ नहीं लगा देना, फिर कह रही हूँ मैं इंटरोगेटिव में अगर हमें नेगेटिव का यूज करना है तो नॉट कहाँ लगता है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद, वेयर हैड यू नॉट गॉन बिफोर इट रेंड, दोनों को नेगेटिव नहीं बनाना है, सेम अफर्मेटिव ही रहेगा एक, बस आपको ये देखना है बिफोर है तो कौन सा अफर्मेटिव बनेगा, यानी कि डेफिनेट वाला, आफ्टर है तो परफेक्ट वाला। डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था, तो रोगी ने क्या नहीं खाया था, क्या नहीं खाया था, मेडिसिन नहीं खाई होगी भाई, वॉट डिड द पेशेंट नॉट ईट, वॉट डिड सब्जेक्ट के बाद बीदर, वॉट डिड द पेशेंट नॉट ईट आफ्टर द डॉक्टर है गॉन। तो आई होप अब आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस खत्म होते हैं, मैंने आपको तीनों टाइप के सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे से बताए हैं और जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी सब ली है। तो यहाँ पर खत्म होता है आपका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, व्हेन टू यूज और इंट्रोडक्शन। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कुछ एक्सेप्शन, यानी स्ट्रक्चर में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो रूल ब्रेक करते हैं, जैसे विच, हाउ मच, जो मैं अभी तक आपको बताती आ रही हूँ, हु,
ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में कॉमन मिस्टेक और आप लोग फिर सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टेंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।